हेलो फ्रेंड्स तो आज हम लोग बात करेंगे एम्फियोक्सिस ऑक्सिस की ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है सो लेट बी स्टार्ट द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सिस इज सिंपल एंड क्लास टाइप इट इज़ अ पैकुलर इन एबसेंस ऑफ हार्ट इसका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है एम्फियोक्सिस का वो कैसा होता है सिंपल होता है और क्लोज टाइप होता है हमारे दो तरह के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होते हैं एक ओपन टाइप और एक क्लोज टाइप तो इसका कैसा होता है क्लोज टाइप होता है इट इज़ स्पीकर इन द एबसेंस ऑफ हार्ट इसमें हार्ट नहीं होता है ड्यू टू द एबसेंस ऑफ हार्ट द मेन आर्टरीज हैव मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन वॉल ठीक क्योंकि इसमें हार्ट नहीं होता है वैसे हार्ट का, का काम होता है हमारे कॉन्ट्रैक्शन का इसलिए लेकिन इनके पास तो हार्ट होता नहीं है तो इनका कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है आर्टरीज की वॉल द वेस्कुलर सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ अब जो वेस्कुलर सिस्टम जो है इनमें क्या क्या होता है हम लोग इसकी बात करेंगे तो सबसे पहला आता है साइनस विनोस ये क्या होता है इट इज़ अ थिन वॉल सेक्स सिचुएटेड बिलो द हिंड एंड ऑफ फैनिक्स ये क्या होता है थिन वॉल सेक थिन वॉल यानी कि पतली सी वॉल का एक सेक यानी कि बोरा क्लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसके बिलो प्रेजेंट होता है हिंड एंड ऑफ फेडनेक्स के हिंड एंड पे इट रिसीव द ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इसको ब्लड मिलता है जो बॉडी से जो ब्लड फ्लो करके आता है वो उसके पास आता है थ्रो वेंस एंड पोर इन टू द वेंट्रल और ब्रेंकीअल एरोटा ये क्या करती है साइनस वेनस का काम क्या होता है कि जो बॉडी जो होती है बॉडी से जितना भी ब्लड आता है वो का किसके थ्रू आता है साइनस वनोस के थ्रू आता है और लास्ट में कहाँ चला जाता है वेंट्रल और ब्रेंकीयल एरोटा इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट आता है ब्रेंट सॉरी ब्रेंटल एरोटा द वेंट्रल अरोटा इज अ थिक वॉल हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लड वैसल जो वेंट्रल अरोटा होता है वो क्या होता है थिक वॉल होता है और बहुत कॉन्ट्रैक्टाइल ब्लड वैसल होता है सिचुएटेड इन द बॉल ऑफ फेरनिक्स कहाँ पर सिचुएट होता है फेरनिक्स की बॉल के नीचे इट गिव आउट अ पेयर्ड लेट्रल ब्रांचेस ये क्या देता है इसमें दो पेयरड लेट्रल ब्रांचेस निकलती हैं टू द प्राइमरी गिल वॉर नोन एज अ एफ्रेंट ब्रेंक्यूल आर्टीज उसको क्या बोलते हैं हम लोग एफरेंट ब्रेंक्यूल आर्टीज दीज आर स्मॉल डाइटलैन एट द बेस विच पम्प एट द ब्लड अप इन द वैसल ये क्या होता है स्मॉल डाइटलेशन होता है बेस पे और ये क्या करता है ब्लड को पम्प अप करता है वेसल्स में ब्लड को ले जाता है डॉर्सली आ सीरीज ऑफ एफ्रेन ब्रेंकियल आर्ट्री डॉर्सली डॉर्सल रीजन में हमारा एक एफ्रेन ब्रेंकील आर्ट्री की सीरीज प्रजेंट होती है जो क्या करती है कलेक्ट अ ब्लड फ्रॉम अ प्राइमरी जो क्या करती है ब्लड को कलेक्ट करती है कहाँ से प्राइमरी एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिल बार एंड एम्पटी इनटू द पेयर ऑफ डॉसर एरोटा ये कहाँ से ब्लड लाती है प्राइमरी और सेकेंडरी गिल बार से लाती है और कहाँ पर जाके एम हो जाती है डॉसल एरोटा पे ठीक है डॉर्सर एरोटा पे उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे डॉर्सर एरोटा की इन द एंटीरियर लेफ्ट ऑफ द बॉडी बॉडी के एंटीरियर लेफ्ट में जो हमारा डॉर्सर एरोटा होता, हो, होता है वो प्रेजेंट होता है कंसिस्ट ऑफ अ पेयर्ड वेसल्स क्या होती है इसके पास पेयर्ड वेसल्स होती हैं विच लाई ऑन एदर साइड ऑफ एपीफेरेंजियल ग्रुप जो कहाँ पे लाई करती है एपीफे जो ग्रुप होता है उसके किसी भी साइड पे लाइक करती इन द रूप ऑफ द फेनिक्स के रूप में एंटेली दिस आर कंटिन्यूड इन टू द स्नाउट एज अ पेयर इंटरनल कैटराइड आर्टिस एंटर्ली ये भी हमने पोस्टर्ली बताया कि हमारे फेनिक्स के रूप पे लाइक करती है एंटरली क्या होता है ये इंटरनल कैटराइड आर्ट्री एंड सप्लाई पे तक जाती हैं ये पोस्टेली की बात करें दैट आर टू डोर्सल एरोटा विच एक्सटेंड बैकवर्ड जो दो आर्सल एरो पोस्टेली बैकवर्ड तो जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं मिड डोर्सली बिटवीन द नोटोकॉर्ड एंड इंटेस्टाइन कहाँ पर होते हैं ये नोटोकॉर्ड और इंटेस्टाइन में और कहाँ तक अप टू अ कॉर्डल रीजन कॉर्डा कॉर्डल वेन कहाँ तक होते हैं कॉर्डल रीजन तक होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉर्डल वेन बोलते हैं उसके बाद आता है पोर्टल सिस्टम क्या होता है द ब्लड फ्रॉम आ टेल इज़ कलेक्टेड बाय आ सब कॉर्डल वेन जो टेल में ब्लड होता है वो कौन कलेक्ट करता है सब कॉर्डल वेन जो होती है वो उसको कलेक्ट करती है विच एक्सटेंड फॉरवर्ड बिलो द इंटस्टाइन और वो क्या होती है वो फॉरवर्ड एक्सटेंड करती है इंटस्टाइन के नीचे से एज अ सब इंटेस्टाइनल वेन इंटस्टाइन के नीचे से किस कौन सी वेन से सब इंटस्टाइनल वेन के थ्रू एंड रिसीव अ ब्लड फ्रॉम द ब्लड अप जब इंटेस्टाइन वेन से ला रही है तो ब्लड जो है वो रिसीव करेगी इंटेस्टाइन से प्लेक्स थोड़ा सीरीज ऑफ ब्लड वेस्ट अब इंटेस्टाइन से जो होती है वो प्लक्स यानी कि ग्रुप ऑफ वेन्स जो होती है वो वहाँ से ब्लड लेती हैं द ब्लड फ्रॉम द हिंड गट प्लेक्सिस इज कलेक्टेड इन टू द हेपेटिक पॉटल वेन अब जो ब्लड जो था जो हिंड गट से कलेक्ट किया गया था वो कहाँ तक जाता है हेपेटिक पॉर्टल वेन में फ्रॉम लिवर अब लिवर से जो ब्लड होता है वो कहाँ पर कलेक्ट होता है फ्रॉम लिवर द ब्लड इज़ कलेक्टेड इन द हेपेटिक ब्ल हैपिटिक वेन से ठीक क्योंकि लीवर की ब्रेन वेन को हम लोग क्या बोलेंगे हैपेटिक वेन पेयर ऑफ पेरेंटियल वेन प्रेजेंट अब द गट रीजन गट रीजन के ऊपर एक पेरेंटियल वेन प्रेजेंट होती है फ्रॉम अ डॉर्सल बॉडी बॉट बोड़, जो किससे अटैच होती है डॉर्सल बॉडी पार्ट से अब हमने पॉटर सिस्टम इसके बाद एक और पार्ट होता है दैट इज अ कार्डिनल वेन अब बात करते हैं कार्डिनल वेन क्या होती है अब पेयर ऑफ एंटीरियर कार्डिनल वेन कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट जो कार्डिनल वेन होती है वो कहाँ से ब्लड को कंटेन करती है हमारे एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी तो पेयर सेगमेंटेड वेसल के थ्रू अब पोस्टीरियर कार्डिनल वेन रिटर्न ब्लड अब जो पोस्टीरियर कार्डिनल में वो वापस ले जाती है ब्लड को फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर कार्डिनल ऑफ ईस्ट साइड यूनाइट टू फॉर्म अ कॉमन कार्डिनल अब जो पोस्टीरियर और एंटीरियर दोनों कार्डिनल वेन होती है वो क्या होती है वो एक साथ मिल जाती है और क्या बनाती है कॉमन कार्डिनाइन और डकटस कावेरी ठीक है और के उसको क्या बोलते हैं डक्टस कावेरी बोलते हैं जो एंटीरियर और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन मिल के बनाती दिस एम्पटी इन टू द साइनस वेन और ये फिर से जाके कहाँ पे एन एम्पटी हो जाती है साइनस वेनस से ये यहाँ पर मैंने एक एरोडाइग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की देखिए ये साइनस वेनस है साइनस वेनस से ब्लड कहाँ गया वेंट्रल एरोटा में वेंट्रल एरोटा से कहाँ गया एफ्रेन ब्रेंकियल आर्टरीज में एफरिन ब्रेंकियल आर्टीज से कहाँ गया एफरेन ब्रेंकियल आर्टरीज में उससे कहाँ गया पेयर डॉटसल एरोटा में पेयर डॉटसल एरोटा से हमारा चला गया अन अनपेयर डॉटसल एरोटा ठीक अनपेयर डॉटसल एरोटा से ही हमारा जाता है इंटस्टाइन में फिर अनपेयर एरोटा से हमारा कॉर्डल आर्टरी में गया कॉर्डल आर्टरी का ब्लड जो तो होता है वो कहाँ के जाता है ल्यूने में उसके बाद आर्टरी से हमारे पोस्ट कॉर्डल में चला गया एंटीरियर कॉर्डल में चला गया और हमारा ये डक्टस कावेरी जो हमारी जो अभी हमने जो पढ़ी थी ना ये कार्डिनल वेन जो एंटीरियर और पोस्टीरिया मिलकर मल रही थी वो डॉक्टर्स कावेरी से वापस कहाँ गया साइनस साइनस में एक और हमारा इसमें फ्लो करता है कि कॉर्डिलल आर्ट्री से हमारे लुटने में उसके बाद कॉर्डल बेन में जाता है फिर जो एंटेस्टाइनल हम लोगों ने लिवर की बात करी तो तो इसी से होता है तो कॉर्डल बेन से किस में जाएगा सब इंटेस्टाइनल वेसल में सब इंटेस्टाइनल वेसल से हमारा जाएगा हैपेटिक पॉर्टर बेन में हैपेटिक से सेपेटिक वेन में जाएगा और फिर डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा साइनस वेनस में तो ये हमारा पूरा क्या है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हडमानी सॉरी एम्फियोक्सिस का थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए